एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। धार महू लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ठाकुर ने कल हुई दिशा बैठक में विगत दिनों मौत के गणपति घाट पर मां बेटी के सड़क हादसे में हुई मौत पर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं लगातार हादसों को देख आज सांसद सावित्री ठाकुर NHAI अधिकारियों के साथ गणपति घाट एवं नव निर्मित बाईपास का निरीक्षण करने पहुंची, जहां पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंगल ने सर्वाधिक दुर्घटना होने से कई लोगों को इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ते देखा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सांसद महोदय से धामनोद में एक ट्रामा सेंटर खोलने की मांग की, जिस पर ट्रामा सेंटर शीघ्र ही खोले जाने का आश्वासन दिया गया। वहीं धामनोद समाचार की टीम ने जब NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोमेश से 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सड़क निर्माण को लेकर चर्चा की तो दिसंबर तक रोड चालू करने का आश्वासन दिया गया। इस सड़क के पूर्ण रूप से बनने पर हादसों पर लगाम लगेगी। निरीक्षण के दौरान सोमेश, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI इंदौर हिमांशु पांडे, मैनेजर NHAI अशोक गौर, प्रोजेक्ट मैनेजर ओरिएंटल दीपांशु शर्मा, PRO ओरिएंटल प्रदीप शर्मा, इंजीनियर ओरिएंटल व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश शर्मा, सुनीता दुबे, मंडल अध्यक्ष हुकुम वसुनिया, पूर्व सरपंच श्रीराम एवं पलाश मल के मुख्य सहित मीडिया साथी उपस्थित थे। धर्मपुरी से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। मैडम जी, मौत के गणपति घाट में एक दुर्घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। वहीं पर अभी तक इस घाट क्षेत्र में 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके द्वारा अभी 100 करोड़ का एक बाईपास रोड बनाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी हमेशा इन चीज़ों को उन्होंने गंभीरता से लिया है और जब मैं 2014 में थी तब भी मैंने बात रखी थी, तभी ये सेंशन हुआ। अब इसको मैंने खुद आज निरीक्षण किया है, मैंने कल भी दिशा की बैठक में इनसे कहा कि भाई इस तरीके के जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं इस पर कब तक विराम लगेगा। आज मैंने जब देखा है तो मेरे को खुद को महसूस ये हुआ है कि जो घाट सेक्शन है वो पता ही नहीं चलता घाट सेक्शन, तो इतनी बढ़िया जो आप बनेगा, पर क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा, पर आज मैं प्रशासन से और सबसे कह रही कि जो एक्सीडेंट जो जहां हो रहे उसको कम से कम हम ऐसा एक व्यवस्था बनाएं ताकि अभी जो फिलहाल में जो एक्सीडेंट अभी अभी आते आते हो गया, तो इसको थोड़ा रोकने के लिए हम बेगर पास जो भी अभी सब प्रशासन भी हुई है तो उनको बोल के मैं वहां तक, पर 2 महीने में इतना अच्छा बढ़िया देश का मेकरी के नंबर 1 ये टर्मिनल जो बनने का 9 किलोमीटर का और 9 में 6 किलोमीटर बन गया है, इसको 3 किलोमीटर और बनना बाकी है और ये व्यवस्था इन लोगों ने जो NHAI ने दी है, जो हमारे आदिवासी भाई लोग आसपास जो रह रहे उनके लिए पानी की व्यवस्था तालाब की भी करी है और जिसको इधर उधर जाना है इस रोड को क्रॉसिंग करना उसका भी उन्होंने क्रॉसिंग रोड भी बनाया है, तो ये पहले ऐसे जो ये NHAI बनेगा लोगों की सुविधा को देखते हुए उनको कुछ भी ऐसी असुविधा नहीं होगी जो लोगों को। मैडम जैसे ये लग रहा है कि ये जो बाईपास बन रहा 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, परंतु पूर्व में एक प्रयोग करा था कोठिया लगाकर जिससे निश्चित रूप से दुर्घटनाओं पे रोक लगी थी, तो क्यों ना जब तक ये बाईपास चल रहा उसके वो पुनः प्रयास किया जाए। मैं तो ये कह रही हूँ ये 2 महीने करे पर जल्दी इनका भी है जल्दी है और इन्होंने इनके हिसाब से इन्होंने देखा है कि एक्सीडेंट और स्टाफ को भी इन्होंने पूरी तरह जो आज में पूरे सर मौत के गणपति घाट पर एक बाईपास रोड बनाया जा रहा है जिससे निश्चित रूप से बनने से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा, ये बाईपास रोड कब तक प्रारंभ हो जाएगा? ये बाईपास रोड हमारा जनरली प्रोजेक्ट हमेशा लेट हो जाते हैं, पर ये प्रोजेक्ट हम हमारा समय से पहले चलाए और दिसंबर तक हम इस कार्य को पूरा कर देंगे जिससे जो लोगों को दुर्घटनाएं हो रही हैं इससे लोगों का बचाव किया जा सके, इसके लिए प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि और मैडम ने भी आज पूरा इंस्पेक्शन किया है और सब चीज़ों को देखा है और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर में इस मार्ग को चालू कर दें जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सर आपका नाम? और मेरा सोमेश भांजन मेरा नाम है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अपने शेड्यूल से अहेड चल रहा है।